संभल में आधार बनाने के नाम पर चल रही है रिश्वत। एक तरफ योगी सरकार दावा कर रही है फ्री आधार बनाने का, मगर यूपी में आधार के नाम पर की जा रही है उगाही। कैमरे में आपको साफ दिखाई दे रहा है अंधी बच्ची से रिश्वत लेते हुए। बहजोई बैंक ब्रांच में बैंक के जिला अग्रणी अधिकारी भी बैठते हैं। भारत सरकार के निर्देशानुसार आधार कार्ड बैंकों व अन्य सरकारी संस्थानों में बनाए जा रहे हैं। सरकार की ओर से नया आधार पंजीकरण शुल्क 0 और किसी भी प्रकार के संशोधन का शुल्क ₹50 रखा गया है। बैंक में आधार बनाने वाले लोगों से आधार बनाने के नाम पर 100 से ₹500 तक अवैध वसूली करते हैं। ऐसा ही एक मामला नगर बहजोई की सिंडिकेट बैंक में देखने को मिला। पास के ही एक गांव निवासी गरीब व्यक्ति ने अपनी दो बच्चियों के आधार कार्ड बनवाने आया, जिनमें से एक बच्ची अंधी है। आधार बनवाने के लिए सिंडिकेट बैंक में आधार बना रहे रिफाकत नामी लड़के से संपर्क किया। बकौल व्यक्ति बैंक में ही मौजूद रिफाकत और उसके साथी जिसके नाम की आईडी है और जो कि आधार मशीन पर अंगूठा लगाता है, पहले तो एक सप्ताह उस व्यक्ति को कागजों के नाम पर दौड़ाया, फिर उसके बाद दिनांक 23 जनवरी को फॉर्म जमा कर लिए और आधार कार्ड की पर्चियां निकालकर अपने पास रख ली। जब उस व्यक्ति ने पर्चियां मांगी तो रिफाकत और उसके साथी ने ₹350 देने की बात कही। जब उस व्यक्ति ने रुपए दे दिए तब जाकर रिफाकत नामी लड़के ने पर्चियां दी। जे तूने आधार सिंडिकेट बैंक में बनवाए हैं तो ₹350 दिए बच्चों के आधार के, ₹350 कितने रुपए दिए बैंक में? ₹350। और तुझसे तो मना कर रहे फ्री बनते हैं आधार कार्ड? मना कर रहे तो मान कहाँ रहे, बजे कह रहे कागज के पैसे दो। कहाँ पे मांग रहे? नहीं बैंक में, सिंडिकेट बैंक में। भाई साहब मैंने कल से परेशान आते, लेकिन मैंने आपके फोन में खींच कर आपको तुझसे कल भी समझाया तो जब पैसे नहीं जाएंगे फ्री बनेगा तो मैं कह रुपए ले रहा है सबसे लोगों से पैसा, और ₹250 ले रहा है। एक आधार के नई के फ्री बनता है, नया आधार ₹250 ले रहा है, लेकिन ₹350 काटे उन्होंने, बड़ी मुश्किल से बनाया है उसने।